Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 9, which is maps are companions. Right, agar map nahi hote to aap ek place se dusri jagah par kaise travel karte hain, aapko sare places ke bare mein kaise pata chalta, right? Now we are using Google Maps, hai na? To Google Maps ke through you can identify any place and you can visit there. राइट हमें कोई भी अगर डायरेक्शन पता करना होता है, वी सी द मैप. अगर हमें डिस्टेंस देखना है, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू दिल्ली, राइट, अगर दिल्ली जाना है एंड यू आर करंटली इन मुंबई, तो अगर वो डिस्टेंस भी अगर आपको देखना है, दैट फॉर दैट ऑल्सो हमें मैप की ज़रूरत होती है, राइट. सो मैप्स दे आर अ कंपेनियन टू अस, दे आर ऑलवेज विद अस वेयर एवर वी गो, है ना. जब आप कहीं जाते भी हो, दैट टाइम यू डोंट नो द डायरेक्शन, दैट टाइम यू आस्क पीपल वेयर शुड आई गो लेफ्ट, शुड आई गो राइट. बट नाउ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द गूगल मैप एंड द असिस्टेंट, यू कैन ईजिली गो एनी वेयर एनी टाइम, राइट. नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एनहांस्ड एंड वी कैन गेट मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, है ना. गूगल मैप व्हेन यू विल ओपन, यू विल सी कि वहाँ पे इट शोज़ द डिस्टेंस ऑल्सो, कि अगर आप कार से जा रहे हो तो कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना टाइम जाएगा. इफ़ यू गो वॉकिंग, हाउ मच टाइम विल इट टेक. इफ़ यू गो थ्रू ओला, देन थ्रू बस, थ्रू ट्रेन, दिस ऑल थिंग्स आर ऑल्सो विजिबल टू अस. वाई? बिकॉज वी हैव आर मैप विद अस, है ना. सो मैप, मैप सी हाउ मच इम्पॉर्टेंट द नेशनल फ्लैग इज़. सी पहले के ज़माने में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ पे लोग किस लिए झगड़ते थे, वाई द वॉर वॉज टेकिंग प्लेस, जस्ट टू अटैक ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस एंड टेक दैट प्लेस. तो सी हाउ मच इम्पॉर्टेंट द प्लेस वॉज एट अर्लियर टाइम. पीपल ने वहाँ पे, लोगों ने वॉर किया है जस्ट टू ग्रैब दोज प्लेसेस, एंड वो उस पर तो हमारा प्राइड है, राइट. इंडिया का मैप अगर देखोगे, दैट इज़ आर प्राइड, राइट. सो मैप इज़ आर कंपेनियन एंड मैप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कंट्री, ओके. नाउ लेट्स सी वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लेसन. दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द मैप, राइट. एंड इफ यू कैन सी योर, यू विल सी दैट सो मैनी कंट्रीज आर देयर इन द मैप. सी वी हैव वेरियस ओशंस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज दिस ऑल्सो, कैनेडा, ग्रीनलैंड, रशिया, मंगोलिया, चाइना, भूटान, नेपाल. सी दिस इज़ इंडिया, आर प्राइड, राइट. दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, ओके. सो मैप के थ्रू आपको सारे कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है, राइट. एंड इन ज्योग्राफी व्हाट डू वी स्टडी, हम ज्योग्राफी में सारे प्लेसेस के बारे में ही पढ़ते हैं ना. साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वी स्टडी अबाउट दिस थिंग्स ना. वी सो दैट वी गेट टू नो द डायरेक्शंस, ओके. नाउ अब तो लोगों को मैप पता है, बट अर्लियर पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस. एंड आपने देखा होगा ना, जब खजाना ढूंढते थे, व्हेन दे यूज्ड टू गो एंड सर्च फॉर ट्रेजर, दे यूज्ड टू टेक वन मैप. मैप यूज़ करने से क्या होता है, इट बिकम्स वेरी मच ईजी फॉर अस टू रीच एनी ऑफ द प्लेस, राइट. सी द लैंड इन आर एनवायरमेंट इज नॉट ऑफ द सेम हाइट एवरीवेयर, राइट. इफ यू कैन सी कंट्रीज भी देख रहे हो, तो कंट्रीज के साइज भी सेम नहीं है. द साइज, द लैंड का साइज इज ऑल्सो डिफरेंट एवरीवेयर. सो द एवरी कंट्री विल हैव अ डेफिनाइट लैंडस्केप विच कवर्स द होल ऑफ द कंट्री, ओके. सो दिस अनइवननेस विल गिव राइज टू वेरियस लैंड शेप्स विच विल क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स such as mountains, valleys, plateaus, plains and islands, right. We have studied this in the third chapter, right. Now see, agar aap dekhoge India ka map, how does it look like, then if you see Mongolia ka map, how does it look like, if you see China ka map, how does it look like, because the land is unevenly distributed. इसलिए उसका साइज़ जो है वो हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का आप देखोगे कि साइज़ जो है वो अलग होगा. एंड वाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज द लैंड इन द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सेम एवरीवे. एंड ये चीज़ लैंड अलग होने के वजह से
वी गेट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लैट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. ओके, सो अपने एनवायरमेंट को अच्छे से समझने के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू स्टडी द फिजिकल और नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड. ओके, तो अगर आपको अपने एनवायरमेंट को समझना है, नाउ वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, वी स्टडी अबाउट आर सेल्फ ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हम सबके बारे में स्टडी करते हैं, बट द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट बिसाइड अस विच वी आर इग्नोरिंग, दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस. ओके, तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए, हमें हमारे एनवायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए. एंड फॉर दैट you should know the physical and how the natural setup of the land has taken place. If I tell you Russia, the map of Russia should directly hit your mind. If I tell you India, the map of India should directly hit your mind. This is how you should be knowing about your own land which is there. Okay, so it is very important to know your map because it is your companion, as said in the lesson. So in the fourth standard, when we learn about map, we saw 5000 year old map. You might have studied this in your fourth standard, right? So iska matlab kya hai, jab log pehle kaam kar rahe the na, when the ancient man, they were working, when they were living here on the land, they also had the need of this map. And agar aap dekhoge to pehle ke zamane mein khazane hote the. You might have seen cartoons or movies, उसके अंदर आप map देखोगे तो brown color का paper होता है and they just give a landmark कि यहाँ पर ये tree है, यहाँ पर ये चीज़ है, एंड दैट इज़ हाउ दे यूज़ टू मेक those map. तो ऐसा नहीं है जैसे अभी हमें टी वी की ज़रूरत पड़ रही है, स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वी आर यूजिंग इट, ठीक है. बट ये मैप की जो ज़रूरत थी, ये एशियंट मैन, मतलब जो पहले के लोग थे, बिफोर अस, द मैन बिफोर अस, उनको भी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी. सो सी, जब से लोग यहाँ पे आए हैं, देर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर द मैप. ओके, सो एट दैट टाइम मैप्स वर मेनली यूज्ड इन द वॉर्स. अब मेन चीज़ कहाँ पे यूज़ होती थी मैप्स? ट्रेजर के लिए, एंड सेकेंड वॉज फॉर वॉर. अभी अगर कोई भी स्टेट या कोई भी, समझो इफ़ यू गो इन हिस्ट्री एंड यू टॉक अबाउट खिलजी एंड ऑल, वेन एवर दे यूज़ टू अटैक टू दर अपोनेंट, जब वो अपने अपोनेंट के प्लेस पे जाके अटैक करते थे, व्हाट दे यूज़ टू डू, दे यूज़ टू मेक अ मैप कि इनके घर में कैसा है, वहाँ तक जाने का रास्ता कैसा है, कितने रास्ते हैं, फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल, फ्रॉम वेयर वी कैन ट्रैवल. सो मैप के थ्रू, एक मैप के बेसिस पे पूरी इतनी बड़ी प्लानिंग हो जाती थी दैट दे कैन जस्ट एग्जीक्यूट अ वॉर. ओके, सो एट दैट टाइम ऑल्सो मैप प्लेड अ ह्यूज रोल, एंड फॉर टुडे ऑल्सो मैप प्लेज अ ह्यूज रोल. ओके, सो वाइल फाइटिंग अ बैटल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द टेरेन. टेरेन मीन्स योर अपोनेंट प्लेस वेर यू आर गोइंग टू अटैक. यू शुड नो दैट प्लेस वेरी क्लियरली एंड एग्जैक्टली, यू शुड नो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दैट प्लेस. ओके, सो इट हेल्प्स इन वर्किंग आर स्ट्रैटेजीज ऑफ डिफीटिंग द एनिमी. सो एनी टाइम, वेन एवर द वॉर टेक्स प्लेस, ऑल द प्लान इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ मैप. बिकॉज जब तक जगह नहीं पता होगी, आप वहाँ पर जाओगे कैसे, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर प्लान, तब तक वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट? सो मैप्स आर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पस. ओके, नाउ सी, टेकिंग इन टू अकाउंट द डिफरेंस इन द हाइट एंड शेप, वेरियस लैंड फॉर्म्स कैन बी शोन ऑन द मैप. ओके, तो अगर आप मैप की बात कर रहे हो, एंड वेन यू सी द हाइट एंड द शेप, यू विल कम टू नो कि अब बहुत सारे लैंड फॉर्म्स आ जाते हैं, राइट? सी, यहाँ पे सारे, हर एक लैंड का शेप इफ़ यू सी इज़ डिफरेंट एवरीवेयर, राइट? सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग दिस लैंड फॉर्म्स ऑन अ मैप, एंड लेट अस लुक एट दिस मेथड. ओके, नाउ यू हैव टू टेक अ प्लेन शीट. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू अ फोर्ट फॉर योर स्कूल ट्रिप. ओके, यू आर विजिटिंग अ फोर्ट. पहले के ज़माने में वॉर किस लिए होता था? फॉर वेरियस फोर्ट्स, राइट? तो सपोज यू आर गोइंग टू अ फोर्ट फॉर योर स्कूल ट्रिप, एंड यू हैव टू ट्रैवल बाई बस टू अ सर्टन पॉइंट, एंड देन यू हैव टू कम आउट. ओके, एंड अभी जो फोर्ट है ना, इट इज़ ऑन अ हिल. सो टू रीच द फोर्ट यू हैव टू क्रॉस अनदर हिल एंड ऑल्सो अ वैली. तो फोर्ट तक जाने के लिए पहले आपको एक हिल को क्रॉस करना है, देन एक वैली को क्रॉस करना है. सो यू हैव टू शो two hills and two valleys in the blank box which is given,
and how you will show that the valley is deep and the mountain is high. So this blank page is for you to make a map to reach the fort. Okay, so I want you all to do this. Just imagine and just try to make a map of anything. Okay, suppose you want to go to your friend's house, so you can make a map out of it. So this is an activity which you will have to do. Okay, you have to just make a map of going to go or reaching to a certain point. Okay, so this is a blank page. Now can you tell me what are these three pictures, if you can see? So you have to study the maps which are shown above, and you will see that all three maps show the same area, right? This is also the same, this is also the same, and this is also the same, but they look different. Yes, the map ka structure is same, but they are looking different. So you have to study the map and you have to answer me. In map A, how has the height of the land been shown? यहाँ पे आपको हाइट कैसे बताया गया है? सी, यहाँ पे लिखा गया है कॉन्टोर इंटरवल 100 मीटर्स, देन 200 400. कैन यू सी? एंड कैन यू टेल मी व्हाई हैव द कलर बीन यूज्ड इन मैप बी? सो इफ़ यू सी हियर हाउ द हाइट इज़ बीन शोन, यू विल सी दैट इज़ रिटर्न एज मैप ए एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज पॉइंटिंग एंड इट इज़ रिटर्न एज 100 मीटर्स. सो हैव वी हैव काउंटेड द हाइट ऑफ द लैंड इन द फर्स्ट मैप. In the second map, if you see, it is given that the height in meters. So if you see here, some of the map shows 200, 300, 400, 500. So it becomes difficult for us to exactly identify it, right? So here in the second map, what has happened? Meters mein aapko height bata diya hai. Jitne land jo hai, unka 400 hai, so they are painted orange. Between 300 to 400, so they are given this color. So this is the color. They have this height in 300 to 400 meters, and then this yellow part is 200 to 300 meters, and green part is less than 200 meters. So you can easily identify and you can easily say what is there because of the indications which are provided here, right? And in the third, in the picture C, how can you say that the picture C is different from other two map, and in which direction is the highest point in the map A, B or C? Yes, see, if you can see here it is given as 500 and this map C. तो आप देख रहे होगे यहाँ पे एक marking दिख रही है आपको, right? यहाँ पे भी same marking you can see. Now comparing all the three map A, B and C, you have to tell me which one is easy to read and which one is easy to identify and execute. So according to me, if I say map B is very much easy for me to follow something, to follow a certain place. Okay, now just see, the length and the width of a landform can be easily shown on a piece of paper like here it is shown. However, the height and depth cannot be shown as easily. यहाँ पे height तो यहाँ map B में easily show कर दिया है, but it becomes difficult to show the height and depth of any of the map on a paper. Okay, so there are three different methods of showing the elevation or height of the land. तीन method use करके हम height show कर सकते हैं map पे. Okay, and what are those three methods? One is contour line method, second one is layer tinting method, and third one is digital elevation model. So these are the three methods by which we can do this. Okay, always remember these three methods can be asked in your exams also. So you should know that it is contour line method, layer tinting method and digital elevation method. Okay, now see what happens in the contour line method. This contour line method is used to show the unevenness of the landform on a map. Unevenness मतलब वो कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग अनइवन है. अगर वो एक स्ट्रेट होता पैटर्न तो वो इवन होता, बट हियर द पैटर्न इज नॉट स्ट्रेट एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अनइवननेस ऑफ लैंडफॉर्म ऑन अ मैप. कैन यू सी हियर हाउ दे आर प्लेस्ड? सो दिस आर अनइवन मैप्स. ओके, द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. तो आप कोई भी लैंड का हाइट कहाँ से मेजर करोगे? वी विल मेजर द हाइट ऑफ द लैंड फ्रॉम द सी लेवल. एंड नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ द सेम हाइट्स आर आइडेंटिफाइड. नाउ आफ्टर मेजरिंग द हाइट ऑफ द लैंड, यू हैव टू मेजर द पॉइंट्स विच आर हैट द सेम हाइट.
okay, and their position is marked accurately on the map, and this locations they are joined with a line. This is how the contour line method works. Okay, this is the sea level and you have to measure the height of it and you have to make a mountain like this. So this is a cross section of the hill that you will make. This will be a gentle slope and this will be a steep slope. Okay, now see, such lines, jo aap lines banaoge maps ko through the dotted lines, that lines will be called as contour line, and that is the reason this map is called as contour line method. Okay, so in the map the lines are drawn, each joining places of a specific height, and this way the relief of the land can be easily shown. Now can you see how it is marked from the below this sea level to the point? See, यहाँ पे जो 200, 300 लिखा था ना, and you were getting confused with that. The same thing they have done here. Here they have written 100, 200, 300, 400, 500, and 600. And if the land is 100, so they have marked till here. If it is 200 till here, 300 till here, 500 till here, and then they have made a mountain like this so that it becomes easier to measure the height and to identify the height of a particular area or a region. Okay. So it helps us to understand the slope of the land and the height of different places. So this contour line method is very important for understanding the slope, how the slope of the land is and how what is the height of those different places. Okay, so you have to observe the given diagram. You have to note where there is less distance between the contour lines. The slope is steep. See, jab bahut kam distance hoga na lines ke beech mein, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ स्टीप स्लोप. कैन यू सी, अभी ये लाइंस दिख रहे हैं आपको, दिस आर द लाइंस विच वी कैन सी, जो एकदम पास पास में है, राइट? तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्टीप स्लोप. बट हियर इफ़ यू सी देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन अ टू लाइन, सो दिस विल बी अ जेंटल स्लोप. तो देर आर टू स्लोप्स, अगर पास पास लाइन्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज स्टीप स्लोप, अगर दूर दूर लाइन्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज जेंटल स्लोप. Okay, I hope you are clear with this steep slope and gentle slope. Okay, so this is how we make the contour line method. Now next is layer tinting method. Layer tinting method में क्या किया जाता है, you know, यहाँ पे हम ऐसे contour दे देते हैं. If you can see here, this is the layer tinting method, जहाँ पे आप उनको color कर देते हो map को, and it becomes easier for you to identify those places. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्टर लाइंस, एंड इन दिस मेथड द स्पेसेस बिटवीन द कॉन्टर लाइन दे आर फिल्ड विद कलर. तो कॉन्टर लाइन के बीच में जितने भी स्पेसेस होंगे ना, वहाँ पे हम कलर कर देंगे सो दैट इट बिकम्स. अगर अभी समझो किसका हाइट जो है वो 75 से 150 में है, एंड यू आर गिविंग दिस कलर टू इट, सो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि ये जगह का हाइट 75 से 150 में है. इफ़ सपोज आई टेक an average, suppose there are 20 students in your class, 5 students they have got 15 marks, 5 students have gone 16 marks, and 5 students have got out of, and 5 students have got 18 marks. Okay, so I'll give 4 different color and it becomes easier for me to identify ki which student have got which color, right? So this method is also very useful in identifying any of the heights with respect to how much meter they have. So okay, so each color will indicate a specific height. For example, agar water bodies honge, so those water bodies they will be colored blue. Agar unse land join karenge water bodies se, so those will be colored as dark green. Okay, so land higher than that is colored a light green. Agar uska land ka color aur land ka height aur zyada upar hai, to you will give a light green color. Agar वो लाइट ग्रीन उससे भी ज़्यादा ऊपर है, देन यू विल गिव अ येलो कलर, एंड सो ऑन. दिस इज़ हाउ यू विल गो ऑन विद दिस. ठीक है, मतलब ये देखो, अगर मैंने आपको एक ग्राफ बनाने दिया, ओके, यू आर मेकिंग अ ग्राफ, एंड आई विल टेल यू टू मार्क 75, 150. आई एम जस्ट गिविंग दिस एन एग्जाम्पल. ओके, तो 75 में यू विल मार्क इट लाइक दिस एंड इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. अब 75 तो टोटल है, इसमें से अभी समझो 25 दूसरा लैंड है, ठीक है, देन 50 बाकी का बच गया. तो योर यू विल कलर दिस मैप एज ब्लू, एंड योर यू विल कलर डाउन यू विल कलर एज ग्रीन. दिस इज़ हाउ यू विल कलर द मैप, एंड यू विल शो अ डिफ्रेंसिएशन
ओके मतलब कि जितना इजी हो सके मैं आपको स्टडी करना उतना इजी बनाया जाता है यूजिंग दिस क्लियर टिंटिंग मेथड. ओके सो यू कैन स्टडी दिस गिवन इंडेक्स एंड यू हैव टू नोट हाउ द कलर चेंजेस विद द हाइट. सो द कलर बिटवीन द कॉन्टर लाइन इज shown up the difference in the physical setup. You have to see this map B. This is the map and this is called as color tinting method. Okay, layer tinting method. Now third method is digital elevation method. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, since we are having our smartphone, we have a platform which is available digitally. So this is the most modern method which is frequently used. Okay, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से मिलती है, कौन से सैटेलाइट से, मैन मेड सैटेलाइट से जो हमने भेजा हुआ है अर्थ के ऊपर, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से मिलेगी उसको हम प्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर्स के थ्रू. ओके तो बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग दिस थ्रू अ कंप्यूटर इसलिए हम इसको बोलते हैं डिजिटल एलिवेशन मेथड. एंड व्हेन यू सी दिस पिक्चर सी, you can see this is a computerized digital elevation method graph which looks like, okay. So in it we can directly observe the differences in the height of the landform. aap yahan pe wo wale diagram mein aap easily landforms ka height jo hai dekh sakte ho. and map made using the above method, it can help us to understand the physical setup of a region. matlab एक्चुअली में लैंड का हाइट कितना है यह हमें ये मेथड से पता चल सकता है. इन अदर वर्ड्स दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ इट्स हाइट ऑफ इट्स रिलीफ एंड अ स्लोप. एंड यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन अ डिजिटल मैप. अगर आप कंप्यूटराइज कर रहे हो यहाँ पे देखो मैन पावर तो कम लग रहा है, आपकी मेहनत भी कम जा रही है. इट इज़ जस्ट थ्रू दिस सैटेलाइट यू कैन नो एवरी हाइट ओके ऑफ एनी रीजन एट एनी प्लेस. सो फिज़िकल मैप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी यूज़ फिज़िकल मैप्स इन मिलिट्री ऑपरेशंस, टूरिज़म्स के लिए, देन ड्राइंग अप माउंटेनिंग रूट्स, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंटल प्लान. सो मैप्स के बहुत सारे यूज़ हैं एंड द डिजिटल एलिवेशन मॉडल दिस आर यूज मेनली इन दिस टाइप ऑफ वर्क दैट वी डू. ओके सो आई होप यू आर क्लियर टिल योर. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, so remember these three methods. Okay, these are very important. One is contour line method, second one is layer tinting method, and third one is digital elevation method. Okay, we will just revise it in the next class and we will continue with the rest of the part. Okay, so I hope you are clear till here. Thank you everyone.